हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम हम www.pu.in के होम पेज पर हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है नाबार्ड ग्रुप ए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाबार्ड ने अभी वैकेंसीज निकाली हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और आप देखते हैं तो ये देखो, आप यहाँ साफ देख सकते हैं, ये हमारी वैकेंसी 13 मार्च को स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट हमारी 2 अप्रैल है। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें नीचे जाकर। जैसे अभी आपको यहाँ दिखाया गया है वैकेंसी डिटेल्स, एएम जनरल असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है 46, असिस्टेंट मैनेजर इकोनॉमिक्स की पोस्ट है 9, लैंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर्स की पोस्ट है 8, माइनर इरिगेशन में 6 पोस्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री में 5 पोस्ट हैं, फूड प्रोसेसिंग में 4 पोस्ट हैं, फॉरेस्ट्री में 4 पोस्ट हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट हैं, सोशल वर्क में 3 पोस्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की 5 पोस्ट हैं। आप सभी को इसको अप्लाई करने के लिए किसी ना किसी ब्रांच में, जो वैकेंसीज के साथ मिलती हुई ब्रांच है, मींस रिलेवेंट स्ट्रीम्स में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए इसके एलिजिबल होने के लिए। इसमें आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होगी और मैक्सिमम 30 ईयर्स होगी। इसकी एग्ज़ाम डेट 12 मई 2018 निश्चित की गई है और आपके जो एडमिट कार्ड हैं या रोल नंबर हैं वो आपके 26 अप्रैल को नेट पर डाल दिए जाएंगे, जो कि इस वेब पेज पर भी शो होंगे। अभी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, वो अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 800 रुपीज़ पे करने होंगे, अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको भी 800 पे करने होंगे, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 150 रुपीज़ रखे गए हैं। अगर जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम नीचे लिंक दिए गए हैं ऑफिशियल लिंक्स, किसी भी को भी क्लिक करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और वो, जैसे अभी हम आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके दिखाते हैं तो ये देखो, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म खुल गया है और हम इससे अपना नाम भर सकते हैं, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरकर हमें बाद में सिक्योरिटी कोड भरना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शो हो रखा है, इसका लिंक यहाँ पर है, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सभी तरह की डिटेल्स दी गई हैं, जैसे एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा आपका, आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो कब है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट कौन सी होगी और आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये सब इसमें डिटेल दे रखी हैं। उसके बाद आपको इसमें आप और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम वैकेंसीज डिटेल दे रखी हैं, अगर वैकेंसीज के साथ कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट है, मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए भी यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अगर कोई पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है तो उसके लिए भी अलग से रिजर्व्ड क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है, या कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए अलग से यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया अपना बनाया हुआ है, जो आप यहाँ पर सब देख कर और आप अपना अप्लाई कर सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर दिखेगा ये सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ दे रखा है जनरल कैटेगरी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, SC ST P WBD के लिए 45% होने चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, या PhD हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी विद बैचलर डिग्री हो, या 2 ईयर फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, या MBA डिग्री हो। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री के लिए बताया गया है कि वेटरिनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मेंबरशिप ऑफ ICAI ज़रूर हो, इकोनॉमिक्स के लिए बता रखा है बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर में हो विद 50% मिनिमम मार्क्स, ST के लिए 45% मार्क्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, ये सभी आपको नीचे बताए गए हैं। आप यहाँ पर आकर देख के और अपने हिसाब से आपके जो आपका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो आपका मैच होता है तो आप यहाँ से पढ़ देखो और आप जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको ये सारा दे रखा है फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, माइनर इरिगेशन के लिए, सोशल वर्क के लिए, ये आपको सभी दे रखा है यहाँ पर। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट है जैसे रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जैसे रीजनिंग का टेस्ट होगा 20 नंबर का, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन जाएंगे 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन होंगे उसमें 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन जाएंगे 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन जाएंगे 20 मार्क्स के, ऐसे ही इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, तो टोटल नंबर हो गए आपके 200। फिर उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल इंग्लिश आएगी 100 नंबर की और वो आपका 90 मिनट्स का होगा पेपर। उसके बाद आपका थर्ड राउंड इंटरव्यू होगा जो 25 नंबर का इंटरव्यू सेशन आपका चलेगा। उसके बाद आप अपना यहाँ सिलेबस भी देख सकते हो, इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस होगा आपका, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए क्या सिलेबस है, ये आप सभी अपना यहाँ देख सकते हो। आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में सभी दे दिया जाएगा। और अगर किसी को अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इनकी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इनकी जा सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। तो आपके लिए बेनिफिट एक और है, अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी ऐप मीन्स www.pu.in की ऐप कोई भी इंस्टॉल करनी है, एंड्रॉयड ऐप, विंडो ऐप या iOS ऐप, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको अगर और कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर नाबार्ड ग्रुप ए असिस्टेंट मैनेजर एंड वेरियस रिक्रूटमेंट 2018 पर क्लिक करके आप अपनी मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।